जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर देखेगा यूपी पुलिस का जो एग्जाम है, आपको पता होगा अगस्त में चालू हो रहा है, मतलब ज्यादा समय अब आपके पास में नहीं है। और बहुत ज्यादा कमेंट आए कि सर जी अब हम एक महीने के अंदर क्या करें। भाई क्या करें, मतलब क्या करें, आपको बताता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। चार सब्जेक्ट हैं, चारों के ऊपर एकदम अच्छे से बात रखूंगा। अगर आप थोड़ा भी भरोसा करते ना भाई, भरोसा करना पड़ेगा भाई, जो सिलेक्टेड है मतलब उसकी बात थोड़ी सुननी पड़ेगी। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मेरी बात थोड़ी सी मानेंगे, आपका नंबर आ जाएगा, आपका इतने स्कोर हो जाएगा कि जो टेंशन आप पाल रखे ना कि सर जी स्कोर नहीं बढ़ रहा, वो सब कुछ टेंशन खत्म हो जाएगा। एक सेकंड, मैं अपनी बात रखता हूँ। एग्जाम में बेस्ट स्कोर मतलब देखेगा इस टाइम पर, चाहे आपने तैयारी कर रखा है या फिर नहीं कर रखा। आपने तैयारी कर रखा है तो अच्छी बात है, फिर तो 250 नंबर आने वाले हैं। और तैयारी अगर मीडियम लेवल का है तो 200 नंबर लाने के लिए भी आप बहुत जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। अब यहां पर देखिएगा, अब इस टाइम पर आपको ये सोच में आ रहा होगा कि सर जी अब हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, अब समझ में यही बात नहीं आ रही। पहली बात देखिएगा, आप समझिएगा, इस टाइम पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हिंदी को याद रखिएगा। इधर मैं, इधर आपका रीजनिंग, इधर आपका मैथ। अब देखो किस तरीके से आपको कितने क्वेश्चंस जो वो आपको करने होंगे। हिंदी रीजनिंग मैथ्स हो जाएगा और इधर आपका जीके जीएस हो जाएगा। समझना मेरी बात को, आप पेपर में कैसे स्कोर करेंगे। और मेरी ये रणनीति है ना भाई, मुझको भी उस टाइम पर जब मैंने एक वीडियो देखा था, नाम तो याद नहीं चैनल का, उस टाइम पर यही रणनीति बताई थी जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया था पेपर से 2 महीने पहले। याद देखिएगा, आपको पता होगा 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन के अंदर हिंदी के लगभग जो है वो 37 क्वेश्चन आते हैं। इधर रीजनिंग के अगर मैं, चलो कोई बात नहीं, 50 बोल देता हूँ। मैथ के भी आप देख सकते हैं, आपको पता होगा 18-19 आते हैं लगभग। और जीके जीएस के भी जो है वो लगभग आप मान के चलें 50 के आसपास तो मान लीजिएगा। सीधे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 37, 7, 14, 15, 16, 1, 3, 4, 1, 5 कितना हो जाएगा, 5, 5, 1, 155। सीधे सीधी बात है, मतलब इसमें 45 कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर मैं रीजनिंग का यहाँ पर 45 कर लेता हूँ, देखिएगा अगर मैं रीजनिंग का यहाँ पर 45 कर लेता हूँ तो अब आपका जो चांस है वो जल्दी ज़्यादा कैसे हो जाएगा। देखिएगा, आप हिंदी के अंदर जो आप बस आप व्याकरण को पढ़ लीजिएगा, बाकी जो रचनाएं होती है नॉर्मली वो अगर आपको आएंगी तो वो आ जाएंगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। भाई मैं आपको कम से कम 200 में रचनाओं को बताऊंगा, उनको आपको याद कर लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिएगा, रचनाओं को ज़्यादा ध्यान प्रायोरिटी नहीं देना है। इधर आपका जो पैसेज आएगा वो सबके लिए नया होगा, आराम से हो जाएगा। इधर व्याकरण का मतलब आप ये कर सकते हैं कि इस पेपर के अंदर 30 से 32 क्वेश्चन एक नया विद्यार्थी भी आराम से अगर व्याकरण पढ़ लेगा तो आराम से इतना स्कोर हो जाएगा। दूसरी बात, रीजनिंग में देखो 45 क्वेश्चन अगर मान लीजिएगा आ रहे हैं तो 45 क्वेश्चन में से भाई आपका 40 क्वेश्चन आपका यहां पर आराम से हो जाएगा। रीजनिंग बहुत ज्यादा नहीं आती, अगर आप देखो मेंटल एप्टीट्यूड आ गया तो क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, बहुत आसान आती है जैसा आपने पेपर में देख रखा है। इधर देखो मैथ के लिए, सर जी मैथ का तो एकदम हुआ है जी, क्या बताएं, पानी भी जो है नहीं पचता है। मैथ के लिए देखो मैं आपको बता दूं, 14 से 15 प्रश्न, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना मेरे भाई, आपका मैथ चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, 14 से 15 प्रश्न आप एकदम हवा में उड़ा देंगे, मतलब समझ रहे ना, 15, 2, 30 30 नंबर आपका बढ़ गया। जीके जीएस में कितना भी हाथ कमजोर क्यों ना हो, आप मुझे पता है तुक्का लगाएंगे, 10-12 क्वेश्चन हर कोई तुक्का लगाता है, फिर भी आपका जीके जीएस में स्कोर ना भाई 18 से 20 तो आराम से बन ही जाएगा। क्या बन जाएगा, 18 से 20 आराम से बन जाएगा। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप समझ लीजिए आपका चयन हो जाएगा। ज्यादा मत सोचना कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं इतना स्कोर। एक और मैं कम से कम बोलूंगा मेरे भाई कि 200 नंबर तो कम से कम आपके आने चाहिए, उस सब के लिए ये सब आना बहुत जरूरी है। अगर आपका 200 नंबर नहीं बन रहा है जनरल कैटेगरी से है तो भाई फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक चीज देखिएगा, अब देखिएगा इन सब की तैयारी के लिए आपको चलिएगा, लेकर चलता हूं बेहतरीन चीज के ऊपर। देखिएगा ये सब बुक जो है मैं आपको बता रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक है, जो कि आपको टॉपिक वाइज मिलती हैं, चैप्टर वाइज मिलती हैं, सब्जेक्ट वाइज मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप देखेगा, आपको पता है जितना भी यूपी पुलिस के अंदर 2006 से 2020 तक 18 आपको पता है पेपर इसमें दे रखे हैं, तो यहाँ पर सॉल्व पेपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये वाली बुक है जिसमें 18 सेट यहाँ पर लिखा
इधर देखिएगा, कांस्टेबल की अगर आपको प्रैक्टिस करना है, नए नए सवाल आपको देखने हैं, तो आप यहां से देख लीजिएगा, इसमें करंट अफेयर भी है और जितने भी क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पर अलग अलग पेपरों में आए हैं वो सब भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इधर आप देखिएगा हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी में आपको बेहतरीन स्कोर करना है तभी होगा, तो उसके लिए देख लीजिएगा ये 5600 सेट वाली जो करंट पब्लिकेशन की बुक है, ये स्पेशल है, ये आपके लिए बेस्ट साबित हो जाएगी। इधर देखो जीके जीएस के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा टेंशन होता है, टेंशन नहीं लेना आपको, टॉपिक वाइज एकदम टॉपिक वाइज यहां पर पूरा का पूरा समझा रखा है, गांधी जी का फोटो छपा होगा, ये बुक आपको ले लेना है। मतलब आप देख सकते हैं चार बुकें और चारों बुकों के अंदर मतलब आप एकदम समझ लीजिए ताबड़तोड़ एकदम हमला हो जाएगा। भाई देखो पेपर में अगर कुछ करना है, नौकरी लेना है, तो भैया पढ़ना पड़ेगा, जो आपको बड़े कुछ बता रहे हैं मतलब उसको मानना पड़ेगा। आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इन सारी बुकों को बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए, आपका स्वागत है। थैंक यू।